कोशिश की है कि कोई भी ऐसा मौका, ऐसा इशू पंजाब का खोलन नहीं दिता, अखले नहीं किता जेड़ा मेरी निगाह दे आया। और मैं पार्लियामेंट च अपनी आवाज पूरे ते ना बुलंद की होवे, पंजाब यूनिवर्सिटी का होवे, बंदी सिखा का होवे, हेट स्पीच का होवे, कोई भी इन्वेस्टमेंट होए, स्टबल बर्निंग का होए, कई जीएसटी लग गया सरावान पे, कोई भी सैकड़े ऐसे इशू है, 145 इशू मैं 2 साल के पार्लियामेंट चुके। आप जरूर तक मेरे कहने का भाव है सेंटर स्टेट कॉर्डियल रिलेशन नहीं होंगे तो पंजाब की तरक्की नहीं हो सकती। मैं यदा तो ये सारे मैंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सभा का मैं हर साल प्रीति भोज करना, ऐतकी भी रखे है उत्थे 22 तरीक न, जिन्हें पंजाब तो MP आते मैं सारे बुला और सारे मेरे सदे पर आ भी जाते। मैं उन्होंने कहना चलो उत्थे आप किसी पार्टी तो आए किमें आए, हो गया ना काम, हूँ आप की आवाज बनी है पार्लीमेंट। आप मिनीम कोई कॉमन प्रोग्राम बना लो 5, 7, 10। मैं आवाज चुकी, मैं सेंटर गवर्नमेंट का ध्यान दवाया भई तुसी CACP कमेटी बना ली, फिर MSP कमेटी बना ली, उत्थे होर सूबे के बंदे ले ले, पंजाब का कोई सूबा का कोई बंदा नहीं। पंजाब यूनिवर्सिटी का तुम्हें पता 1.5 साल पहले रौला पै गया, सेंट्रलाइज हो रही है। मैं पार्लीमेंट विच लैटर दिता, एजुकेशन मिनिस्टर जोड़े उदों से उन्होंने मिलया, तो उन्होंने 24 घंटे का टाइम मिले, फिर उन्होंने तो लिख के लिया कि भी साडा कोई ऐसा मंतव नहीं है, साडा कोई ऐसा इरादा नहीं है। रूरल डेवलपमेंट फंड का भी कई बार मैं सवाल चुकया, ये GST पिछे तुम पता सराहां पर लग गया। मैं फाइनेंस मिनिस्टर को मिले, मैं उन्होंने दसिया, उन्होंने तो फिर एक क्लैरिफिकेशन ली भी जिड़ी भी सराह किसी ट्रस्ट की, चैरिटेबल ट्रस्ट की, धार्मिक स्थान के नाल जुड़ी, उसके GST नहीं लगेगा। अभी फिरोजपुर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहे हैं, ये नेशनल गेम दे विच सिख मार्शल आर्ट गतका, उहदा मैं सवाल पाया पार्लीमेंट च भी ये इनकलूड होना चाहिए, ये साडा मार्शल आर्ट है। ये MPLD फंड मिलते, मैं तुहानू सारे नू पता है मैं तनख्वाह तो नहीं लैंदा पार्लीमेंट तो, ना कोई पर्क लैंदा, ना कोई हवाई जहाज का सफर लैंदा, ना कुछ लैंदा, पर उसके बावजूद मैं अपना MPLD फंड तो मिलता है, वो तो लोगों के भले भी खर्च करना। मैं एक ज़्यादातर पैसा स्किलिंग से, और जिन्ना पैसा मिलता है सरकार तो उन्ना मैं अपने पल्यों मैचिंग ग्रांट ला के तो पंजाब दे स्किलिंग की लहर शुरू की है। अमृतसर तुहानू पता ही है मल्टी स्किल डिवेलपमेंट सेंटर है, उत्थे असी कोई 1650 बच्चों को पिछले साल पक्की नौकरी दवाई, हूँ लुधियाने साडा तैयार है, असी 10 ITI चुने हैं, उन्हां नूं कोशिश साडी है भी IIT दे पद्धर ते बनाईए। स्किलिंग ही पंजाब दा एक सल्यूशन है। लुधियाणा अमृतसर साडा तैयार है, पटियाले 15 अगस्त नूं बहुत वड्डी उत्थे सेंटर बन गया। मेरा जाति तौर ते टीचा है कि अकाल पुरख वाहिगुरु मैनूं बल ते उद्यम बख्शे कि मैं 10,000 बच्चे नूं हर साल नौकरी लवा सकां। पटियाले गए यूनिवर्सिटी जो उत्थे मैं पढ़िया, पिया लाइब्रेरी नवीं बना रहे हैं, ऑडिटोरियम पुराना सी उत्थे मैं 50 लाख दिता। पंजाब यूनिवर्सिटी गुरु नानक चेयर सी उत्थे पैसे दिते 50 लाख, दरबार साहब 1.5 करोड़ रुपया मैं भेजता है, वो सारा गलियारा रेनोवेट हो रहा है, पेंट पॉलिश हो रहा है, उत्थे पाम ट्री ला रहे हैं जिवें दुबई च लगे है या बाहर कितने गोवा लगे है, और
ਡਸਟਬਿਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹ ਲਵਾਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਸ਼ੁੱਡ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਏ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫਲੱਡ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨਾਲ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ, ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਲੱਡ ਕਿੱਟਾਂ, ਬੂਟ, ਰੋਕ ਸਾਰੇ ਉਹ ਭੇਜੇ। ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਡੇਢ ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗਏ ਬੁਰਜ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮਕਾਨ ਹੀ ਰੁੜ ਗਏ 12-13। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਅਕਾਲਪੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੈਮ ਵੀ ਬਣਵਾਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਲਈ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਕਾਲਪੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਕਾਲਪੁਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੌਫ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਮੈਂ ਲੂਲੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ, ਹਿੰਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਐਗਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਐਗਰੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਨੇਡਾ ਦਾ 550 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੁਕਵਾਈ, ਫਿਰ ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਪਾਉਣ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 85 ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਢਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਲੀਬੀਆ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ 17 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਟ ਬਣਵਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ।